Virat Kohli, the chess master, he has done it once again. The greatest ODI batter of this generation. And I'm saying this, main ye keh raha hu, better player hai wo Sachin Tendulkar se ODI format mein, wo match winner hai. Jahan se wo matches jitata hai. Dobara keh raha hu, sirf ODI cricket ki, test cricket ki baat nahi kar raha. Bada player hai Sachin se. Aur 48 ODI hundreds ho jane the, sirf ek reh jana tha uska, Sachin ka record barabar karne se. Lekin 85 ki innings, kamal. दो रन पे तीन आउट हो गए थे और कहां पे 167 पे ले गया. अब सारे कहेंगे मिचेल मार्श ने कैच ड्रॉप कर दिया. कैच ड्रॉप करना भी पार्ट होता है गेम का, लेकिन जो इनिंग्स खेली है विराट कोहली ने, सल्यूट है. और सीखना चाहिए यंग बैटर्स को, पाकिस्तान के बैटर्स को भी, इवन बाबर आजम को, कि आपने कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, एंड तक कैसे जाना है. ये आज रेयर फेलियर था कि वो आखिरी बॉल तक नहीं खड़ा हुआ था और के एल राहुल ने साथ इनिंग्स खेल दी, अदरवाइज कोहली मैच फिनिश करके आता है. ये हो ही नहीं सकता कि वो इतना क्लोज ले जाए और मैच ना जिताए. लेकिन जो उसने इनिंग्स खेल दी है, ये सबको सीखने की जरूरत है. पूरे एशिया में जितने बैटर्स हैं, दुनिया में जितने बैटर्स हैं, इससे बड़ा इस एरा में कोई ओडीआई बैटर नहीं है. द ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम, गेम ने इससे बड़ा बैटर नहीं देखा. ये मैंने जो इंडिया की शर्ट आज पहनी हुई, दिस इज फॉर विराट कोहली और जो इनिंग्स उसने खेल दी है. और इंडिया का रिकॉर्ड है कि इंडिया अगर पहला मैच वर्ल्ड कप का जीतता है तो कम से कम सेमीफाइनल तक जाता है. आज ये चीज जो है उन्होंने करके दिखाई. और ऑस्ट्रेलिया 1996 के बाद पहली दफा किसी वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच हार रहे हैं. तो बहुत कुछ था स्टेक में और ऑस्ट्रेलिया जो था वो सेलिब्रेट कर रहा था, उनको था मैच खत्म हो गया. लेकिन जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पर किंग कोहली अकेले खड़े होते हैं. किंग कोहली वंस अगेन ही डिड इट. और ऑस्ट्रेलियंस जो है, मैं हैरान था कि यार इतनी अच्छी फील्डिंग साइड और जिस तरह इंडिया ने फील्डिंग की फर्स्ट इनिंग्स में, ऑस्ट्रेलिया से तो हम उससे भी बेहतर डिमांड करते हैं, वो ड्रॉप कैसे कर दिया. लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन था या क्या था, लेकिन मैच ड्रॉप किया उन्होंने. और ये ना हो कि वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर आपका आगाज अच्छा नहीं होता, उनकी जो नेट रन रेट है -0.88 हो गई है. ये बहुत बड़ी डिफीट है ऑस्ट्रेलिया के लिए. कमबैक करना मुश्किल है जिस तरह की फॉर्म में बाकी टीम्स है, खासतौर पर न्यूजीलैंड है, इंडिया है, और इंग्लैंड भी अगर बाउंस बैक करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल में आना मुश्किल हो जाएगा. ये मैच उनको जीतना चाहिए था. 200 पहले किया, टॉस जीत के 230 या 50 करते तो ये मैच जीत जाते. उसके बाद विराट कोहली को कैच ड्रॉप कर दिया. यू डू नॉट ड्रॉप विराट कोहली मैन, अगर आप उसको ड्रॉप करोगे तो वो आपको हील मेक यू पे. और उसने यही किया. और मैं विराट कोहली के, क्योंकि मैं जो उसका वन ऑफ हिज बिगेस्ट सपोर्टर्स, जिस तरह से आई वॉज हैप्पी विद हिम परफॉर्मिंग. और ये मैंने जो एक्रेडिटेशन कार्ड अपने, ये उस पर सिग्नेचर आप देख सकते हैं विराट कोहली का, ये सिग्नेचर मैंने लिया था ऑटोग्राफ उससे कैंडी में, एशिया कप में मैंने लिया था पाकिस्तान इंडिया के मैच से एक दिन बाद. और ये मैंने रखा हुआ था और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ कि उसकी जो आज परफॉर्मेंस आई है वो उधर आई है जहाँ पर टीम उसको देख रही थी. 2027 के वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली को इंडिया टीम देख रही होगी, डिपेंडेंट होगी उस पर. विराट कोहली के बगैर इंडिया कुछ भी नहीं है. नो वेयर, यू आर नो वेयर विदाउट हिम. ये उसने दिखा दिया हर वर्ल्ड कप में, हर आईसीसी इवेंट में. नॉन ओपनर के सबसे ज़्यादा रन किसी भी आईसीसी इवेंट में, फिर उसने 11,000 रन नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए कर लिए. मतलब यार रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाई जा रहा है. और अभी भी मतलब इस एज में भी 34-35 साल में आके भी अभी भी टीम इंडिया उसी पर डिपेंड कर रही है. मतलब आप लोगों के हाथ खड़े थे, आप तो हार गए थे. अगर रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर पे होता तो ये मैच इंडिया हार गया हुआ था. मतलब यू आर लुकिंग एट विराट टू रेस्क्यू यू वंस अगेन. और उसने फिर करके दिखाया न्यूमरस टाइम्स, कितनी दफा अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट अदर टीम्स, बड़े बड़े चेजेस में यार, टेंस चेजेस में जहां पर मैच फंसा होता है वहां से निकालता है आपको. और दोबारा से उसने यही किया. हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, जो इनिंग्स उसने खेल दिया आई थिंक. और यहां पर बात करेंगे थोड़ी सी मैच में भी. अब रविंद्र जडेजा की बॉलिंग, रवि अश्विन, कुलदीप यादव, स्पिन से फंसाया इंडिया ने. वेब क्रिएट कर लिया, पिच देखते ही तीन स्पिनर तो उन्होंने डाल लिए थे. उनको पता था ऑस्ट्रेलिया को स्पिन से फंसाएंगे. और रात को ड्यू आ गई तो जैंपा की बॉल भी स्पिन नहीं हुई. जो विकेट थी वो पेसर से शुरू में ले ली, बाद में कैच ड्रॉप हो गया. मैच तो वहां खत्म हो गया हुआ था. लेकिन हम लोग ऑस्ट्रेलिया से बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 250-260 तक जाते. चेन्नई के पिच मुश्किल थी, लेकिन उनको स्कोर करना चाहिए था, फिर कंपेटिटिव टोटल होता. 200 पे आप इंडिया को नहीं हरा सकते. इंडिया के होम ग्राउंड में बहुत मुश्किल है 200 पर उनको हराना. और ये इंडिया ने प्रूव किया. और जो उनको स्टार्ट मिल गया, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इंडिया जो है वो आगे जाएगा और पाकिस्तान इंडिया का होपफुली जो है सेमीफाइनल या फाइनल जरूर आएगा. ये सारे फैंस चाहते हैं और हम भी चाहते हैं. इसलिए बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया एंड ग्रेट टू हैव अ गुड स्टार्ट. और उनके फैंस को भी बहुत मुबारकबाद इस मैच जीतने पर.